नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाहजिन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी, शशि थरूर का भोपाल दौरा। शशि थरूर ने कमलनाथ से चर्चा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से बंद कमरे में चर्चा हुई, करीब 10 मिनट ये चर्चा चली। 17 अक्टूबर को राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव की वोटिंग को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस राष्ट्राध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं शशि थरूर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भोपाल पहुंचे हैं शशि थरूर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर 17 अक्टूबर को राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव की वोटिंग को लेकर कमलनाथ से बंद कमरे में चर्चा हुई है। ये चर्चा 10 मिनट तक चली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात हुई है, बंद कमरे में चर्चा हुई, करीब 10 मिनट उनकी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां 17 अक्टूबर को राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव की वोटिंग को लेकर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, जहां शशि थरूर का भोपाल दौरा और शशि थरूर ने कमलनाथ से चर्चा की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से बंद कमरे में चर्चा हुई है और करीब 10 मिनट तक ये चर्चा चली। 17 अक्टूबर को राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव की वोटिंग को लेकर चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता दें क्योंकि बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां शशि थरूर का भोपाल दौरा और शशि थरूर ने कमलनाथ से चर्चा की। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से बंद कमरे में चर्चा हुई है और करीब 10 मिनट तक ये चर्चा चली। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के चुनाव होने हैं और ऐसे में 17 तारीख को चुनाव होगा। उससे पहले आपको बता दें, शशि थरूर भोपाल पहुंचे हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उम्मीदवार हैं शशि थरूर और भोपाल पहुंचकर उनकी मुलाकात कमलनाथ से हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई, बंद कमरे में करीब 10 मिनट तक ये मुलाकात हुई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, और शशि थरूर और कमलनाथ के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा हुई है, जहां राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव की वोटिंग को लेकर चर्चा की गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, क्या कुछ पूरी जानकारी, शशि थरूर भोपाल पहुंचे हैं, आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, अब तक का क्या अपडेट? देखिए, इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी डेलीगेट्सों की एक बैठक ले रहे हैं। बैठक में उन्होंने सबसे पहले तो यही बात कही, क्योंकि 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और इस वोटिंग में उन्होंने समर्थन मांगा है। बंद कमरे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से तकरीबन 10 मिनट की उनकी चर्चा हुई है। शशि थरूर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं आभारी हूँ, आपका समय मिला, पहले पीसीसी जो हेडक्वार्टर के निर्देश का पालन कर रहा हूँ, आपने दोनों प्रत्याशियों को सम्मान रूप से सम्मान दिया है और सोनिया गांधी जी को बधाई जिन्होंने अध्यक्ष के चुनाव में जो है कार्यकर्ताओं को मौका दिया। अब इसके साथ ही उम्मीदवार शशि थरूर के जो है बगावती तेवर भी देखने को मिले। उनका ये कहना है कि हम लगातार चुनाव हार रहे हैं, थरूर कार्यकर्ताओं को महसूस नहीं होता है कि मैं भी पार्टी का भागीदार हूँ। हालांकि अभी जो है फिलहाल उनकी ये जो बैठक है वो लगातार पीसीसी में जारी है, जो पीसीसी के डेलीगेट्स बनाए गए हैं, तकरीबन मध्यप्रदेश से 504 पीसीसी के डेलीगेट्स है जो 17 अक्टूबर को वोटिंग करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर। उनकी बैठक जो है अभी शशि थरूर ले रहे हैं। कुलभूषण, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, कुलभूषण बने हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, लौटेंगे आपके पास। तो भोपाल से अगली बड़ी खबर, शशि थरूर का प्रतिनिधि बैठक में उद्बोधन, जहां उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं, आपका समय मिला, पहला पीसीसी है जो हेडक्वार्टर के निर्देश का पालन कर रहा है, आपने दोनों प्रत्याशियों को समान रूप से देखा है और पहला पीसीसी है जो हेडक्वार्टर के निर्देश का पालन कर रहा है, वहीं आपने दोनों प्रत्याशियों को समान रूप से सम्मान दिया और मूल्य और सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए। कुलभूषण, अपने उद्बोधन में क्या कुछ बातें शशि थरूर ने कही है? देखिए, अभी फिलहाल पीसीसी डेलीगेट बैठक कार्यालय में जारी है। आज जोरदार स्वागत जो है शशि थरूर का भी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, जो कि आज 12 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, आज शशि थरूर पहुंचे हैं। 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। मध्यप्रदेश से जो 504 पीसीसी डेलीगेट्स हैं वो वोटिंग करेंगे। शशि थरूर की अगर हम बात करें तो डेलीगेट्स की बैठक के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया है कि निष्पक्ष रूप से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कांग्रेस में 22 साल बाद होते हुए नजर आ रहे हैं और मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर है। 18 अक्टूबर को परिणाम सामने आएंगे और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये लगभग 18 अक्टूबर को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर अभी फिलहाल पीसीसी की अगर हम बात करें तो बैठक जारी है पीसीसी डेलीगेट्सों के साथ। 504 पीसीसी डेलीगेट्स बनाए गए जिसमें 15 विधायक भी शामिल हैं। उद्बोधन के दौरान उन्होंने ये बात जो कही है कि लंबे समय से हमारी सरकार बनती नजर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं, इस कमियों को जल्द ही जो है पूरा किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि मीडिया से चर्चा के दौरान शशि थरूर और क्या कुछ बयान जो है मीडिया के चर्चा के दौरान कहेंगे। हाँ बिल्कुल कुलभूषण, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। बीच बीच एक और बड़ी